नमस्ते, आज हम बना रहे हैं कटहल मसाला करी। इस तरह कटहल की सब्जी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम कटहल को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और धो लेंगे। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच तेल डालकर हम कटहल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे और इसमें 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे और इसमें कटहल डाल देंगे। कटहल को चलाते हुए 5-6 मिनट तक फ्राई करना है तेज फ्लेम में। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले ना। कटहल फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में थोड़ी सी और तेल डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे। जीरा को चटकने देंगे और इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल के ढक के हम पकाएंगे टमाटर को। यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ी सी लो कर देना है ताकि टमाटर अच्छे से गले। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे। मसाले के साथ कटहल को 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। कटहल में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम 10-12 मिनट कटहल को ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे, कटहल अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ी सी बारीक काट कर धनिया पत्ता, थोड़ी सी अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डाल के 1 मिनट तक हम और पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कटहल की सब्जी बनके तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे। कटहल की सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी जरूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।